उसका प्राइस है थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री रुपीज एंड उसमें क्वान्टिटी मिलता है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव एम एल ना ये बॉटल आपका अराउंड डेढ़ महीना या उससे ज्यादा चल जाएगा अगर आप उसे अकेले यूज करोगे तो एंड प्राइस एंड क्वांटिटी रेशियो को अगर हम कंपेयर करें तो ये मार्केट में जो नॉर्मल फेस वॉशेस मिलते हैं उससे थोड़ा एक्सपेंसिव है हालांकि अगर आप एक अच्छे क्वालिटी का फेस वॉश चाहते हो तो आपको अराउंड डेढ़ सौ से दो सौ स्पेंड करना पड़ता ही है बट लाइक अराउंड तीन सौ रुपये इट्स लिटिल प्राइस ही बट किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले हम इसका क्वालिटी चेक करेंगे सो so, क्वालिटी चेक करने के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंग्रेडिएंट्स को एंड बिफोर वी डू दैट मैं आपको बता दूं इसके दो वेरिएंट्स हैं पहला एक पुराना वाला एंड सेकेंड नया वाला पहला वाला जो वेरिएंट था उसमें उसका जो इंग्रेडिएंट था मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था बिकॉज उसमें था एसएलएस या सोडियम लॉरेट सल्फेट जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्श है एंड ये हमारे नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप ऑफ करता है एंड आपके स्किन को गंदे तरीके से डैमेज करता है नेक्स्ट उसमें था मिथाइल पैराबिन जो अगेन हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं है एंड स्पेशली अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहेगा एंड मिथाइल पैराबिन कहीं ना कहीं हमारे हार्मोनल फंक्शन को भी डिजर्ब करता है सो मैं तो कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी नेक्स्ट इसमें है ब्यूटिलीन ग्लाइकोल जो एक टाइप का एल्कोहल है जो अगेन सेंसिटिव स्किन वालों को बिल्कुल भी सूट नहीं करता एंड यू नो अल्कोहल यूज करने से हमारे स्किन में छोटे छोटे बम्स भी आते हैं सो अगेन रेड नेक्स्ट इसमें है फ्रेगरेंस जो अगेन सेंसिटिव स्किन के लिए इरिटेटिंग हो सकता है सो so, जो पहला वाला वेरियंट था वो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी लेकिन अब इनका जो नया वाला वेरिएंट आया है उसके इंग्रेडिएंट से आई एम क्वाइट इम्प्रेस मार्केट में नया वाला वेरिएंट ही अवेलेबल है तो हम उसी का इंग्रेडिएंट चेक करते so हैं तो इसमें इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है इसीलिए मैं जा रही हूँ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड देन वी विल रिव्यू दिस इंग्रीडियंट सो फर्स्ट इसमें है ग्लिसरीन जो एक ह्यूमन टेंट की तरह काम करता है एंड हमारे स्किन में हाइड्रेशन को काइंड ऑफ लॉक करके रखता है नेक्स्ट इसमें है पैंथेनोल जो है प्रो विटामिन बी फाइव अब प्रो विटामिन क्या है एक्चुअली प्रो विटामिन से विटामिन बनता है सो प्रो विटामिन बी फाइव से विटामिन बी फाइव बनता है सो या इट्स अ गुड थिंग नेक्स्ट इसमें है न्यासिनमाइट नाउ न्यासिनमाइड इज वन ऑफ माई फेवरेट इन्ग्रीडियंट वाई बिकॉज ये हमारे स्किन से पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है एक्ने को रिड्यूस करता है एंड अल्टीमेटली ये स्पॉटलेस ग्लोइंग स्किन अचीव करने में काफ़ी हेल्प करता है एंड न्यासनामाइड का एक सबसे अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को भी विटामिन सी सूट नहीं करता उन लोगों के लिए न्यासना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि देखो विटामिन सी ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है बट ये बहुत लोगों को सूट नहीं करता एज अ आप यूज कर सकते हो एंड ये लाइक ऑलमोस्ट सेम ही काम करता है नेक्स्ट इसमें है पेंटोलैक्टिन जो एक्चुअली मॉइस्चर बैरियर को प्रोटेक्ट करता है एंड वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है मतलब अगेन ये स्किन में हाइड्रेशन को लॉक करता है उसके बाद इसमें है सोडियम कोकोइल आइसीथियोनिक सो ये एक्चुअली एक सर्फेक्टेंट है बट देखो पहले वाले वेरिएंट में एस एल एस यूज किया जा रहा था जो बहुत ही हार्श था बट कम्पेटिवली ये काफी माइल्ड है नाउ इंग्रेडिएंट्स इसके काफी सही है एंड लाइक like, पहले वाले से तो कम्पेरेटिवली काफी माइल्ड है इसका इंग्रेडिएंट बाकी तो सब सही है बट एक जो चीज मुझे सही नहीं लगा दैट इज अल्कोहल बिकॉज बहुत लोगों को वो सूट नहीं करता नाउ बात करते हैं इसे यूज करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा था सो so, सबसे पहले बिकॉज मेरा स्किन ऑयली टू कॉम्बाइन है इट वॉज नॉट अ गुड क्लेंजर फॉर मी बिकॉज देखो ऑफकोर्स मेरा स्किन ऑयली है एंड ये बहुत ही जेंटल है तो इसने अच्छे से स्किन को क्लीन नहीं किया एंड ऑयल रेसिड्यू या मैं जो भी लगाती थी थोड़ा रेसिड्यू रह जाता था बिकॉज ऑफकोर्स इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग क्लें नेक्स्ट इसको लगाने के बाद मेरे स्किन में छोटे छोटे बम्प्स आए थे बिकॉज ऑफकोर्स आई एम एलर्जिक टू एल्कोहल एंड यही एक प्रॉब्लम है बहुत सारे लोग ना अल्कोहल से एलर्जिक होते हैं इसी वजह से स्किन में बहुत ज्यादा एक्ने आते हैं कुछ भी प्रोडक्ट लगाने से सो ऑल ओवर मैं बताऊंगी ये कुछ खास नहीं है मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये खराब फेस वॉश है बट मुझे कुछ खास नहीं लगा नेक्स्ट अब बात करते हैं किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए सो so फर्स्ट अगर आपका ऑयली टू कॉम्बाइन स्किन है आपको इसे नहीं लेना चाहिए बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ऑयली स्किन वालों को थोड़ा सा लाइक माइल्ड बट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्लेंजर की जरूरत होती है नहीं तो स्किन में वैसे भी एक्ने आएंगे तो अगर आपका ऑयली टू कॉम्बाइन स्किन है तो एटलीस्ट आप इसे समर में यूज मत करो आप विंटर में यूज कर सकते हो बट समर में यूज मत करो Second, अगर आपको अल्कोहल से एलर्जी है अगर आपका सेंसिटिव स्किन है देन आप इसे यूज मत करो थर्ड अगर आप एक फेस वॉश के लिए तीन सौ रुपए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते देन इसे परचेस मत करो बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट में अच्छे ऑप्शन है नेक्स्ट किन लोगों को ये लेना चाहिए सो so, अगर आपका नॉर्मल स्किन है नॉर्मल टू ड्राई स्किन है आप इसे थ्रू आउट द ईयर यूज कर सकते हो सेकेंड अगर आपका स्किन हाइपर सेंसिटिव नहीं है या स्पेसिफिकली बताओ तो एल्कोहल से एलर्जेटिक नहीं है तो आप इसे यूज कर सकते हो so, आज के लिए इतना ही आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल तो मिलेंगे बहुत जल्दी टिल देन